दिल्ली के सिविल वॉलेंटियर्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। खुशखबरी ये है कि दिल्ली में होमगार्ड जवानों की नियुक्ति शुरू हो गई है। 10,200 से ज्यादा होमगार्ड जवानों की नियुक्ति मार्च 2024 तक करने का फैसला दिल्ली के उपराज्यपाल ने लिया है। और अब इस नियुक्ति के बाद एक फायदा होगा, जिन सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स की नौकरी गई थी पिछले दिनों, उनको इसमें फायदा मिल सकता है। सबसे बड़ी बात यह है कि उन्हें इसके लिए एक्स्ट्रा वेटेज मिलेगा, यानी जिनकी नौकरी गई थी उन्हें 10 पॉइंट एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो इस तरीके से एक बड़ा फैसला दिल्ली में सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को फिर से बहाल करने का। सिविल डिफेंस वॉलंटियर के पद पर नहीं होगी उनकी बहाली, लेकिन उनकी जो बहाली होगी वो होगी होमगार्ड के जवानों के तर्ज पर, और उनकी सैलरी होगी लगभग 25,000 रुपये प्रति महीने। और ये एक बड़ी बात है। और एक मीटिंग हुई उपराज्यपाल दफ्तर में, और वहाँ पर 15 अधिकारियों की एक कमेटी बनाई गई है जो इस पूरी प्रक्रिया पर नज़र रखेगी, पूरी प्रक्रिया को तय करेगी और जल्दी से जल्दी उसे अमलीजामा पहनाया जाएगा। ये बात कही जा रही थी कि जून 2024 तक पहले अधिकारियों ने कहा था कि इस प्रक्रिया को पूरा करने में समय लगेगा, लेकिन उसको घटा करके मार्च 2024 कर दिया गया है। ये बात भी ध्यान देने के लिए ज़रूरी है कि अगले साल लोकसभा चुनाव होने हैं, तो क्या उसके मद्देनज़र ये जो समय सीमा है वो खिसकाई गई है, ये भी महत्वपूर्ण सवाल। 15 अधिकारियों को ये जिम्मेदारी सौंपी गई है कि जो भी जो उनके लिए जो अलग से फिजिकल टेस्ट होते हैं और तमाम फिजिकल ज़रूरतें होती हैं, उसकी जो प्रक्रिया है, उसकी जो सारी चीज़ें हैं, ज़रूरतें हैं, उसको तय करके ऑन कैमरा ये रिक्रूटमेंट होगा। ऑन कैमरा इस पूरे मामले को रिकॉर्ड किया जाएगा, और जब भर्ती की जाएगी तो उसमें ट्रांसपेरेंसी रहे, पारदर्शिता रहे, उसको सुनिश्चित करने के लिए पूरी प्रक्रिया कैमरे पे की जाएगी। पहले जो होमगार्ड के जवान हैं उसकी समय सीमा 60 साल थी, उस समय सीमा को भी कम करके 45 साल कर दिया गया है। तो ये एक बड़ा बदलाव है, और लेकिन ये बहुत सारे बदलावों के साथ जो सबसे बड़ा फ़ायदा है वो सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स का है, क्योंकि उन्हें ये चिंता सता रही थी कि उनका जॉब, जो बस मार्शल के तौर पर काम करते थे, या आपने देखा होगा कि जिस तरीके से तमाम सिविल डिफेंस वॉलंटियर ने कोविड के समय में भी सड़कों पर अपनी हिस्सेदारी दी थी, अपनी भूमिका निभाई थी, उन सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स को अब होमगार्ड बनने का एक मौका मिलेगा। इसमें जो पूरी चीज़ें हैं वो ट्रांसपेरेंट तरीके से होंगी, पारदर्शी तरीके से होंगी, उसमें ये भी किया जाएगा कि क्या रखा गया है। तो ये एक जो असेसमेंट किया जाएगा वो पूरी तरीके से देखभाल करके किया जाएगा, उसमें पूरी पारदर्शिता बरती जाएगी, ऐसा जो दावा किया गया है वो उपराज्यपाल कार्यालय से किया गया है। और क्या कुछ होगा इसमें, वो खास बात मैं जो एक जो कम्युनिकेशन आया है उसके हिसाब से मैं बता दूँ कि जो बाकी राज्यों में है, जैसा मैं पहले बता चुका हूँ कि जो उम्र सीमा है वो 45 साल है, दिल्ली में 60 साल की थी, उसको घटा करके 45 साल कर दिया गया है। इसके अलावा ये एक सहायक पुलिस फोर्स के तौर पर, जो होमगार्ड हैं वो सहायक पुलिस फोर्स के तौर पर काम करते हैं, जिसको ऑक्सिलरी पुलिस फोर्स कहा जाता है, उस ऑक्सिलरी पुलिस फोर्स के तौर पर काम करेंगे। और इसमें मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो पहले 10वीं पास जो लोग थे वो भी इसके लिए एप्लीकेशन दे सकते थे, लेकिन उसको बढ़ाया गया है। जो शैक्षणिक योग्यता है वो बढ़ाकर 10वीं से 12वीं कर दी गई, यानी कम से कम 12वीं पास होना ज़रूरी होगा, और उसके बाद ही आपको इसमें किया जा सकता है, अपॉइंटमेंट किया जा सकता है। पहले जो कांस्टेबल हैं दिल्ली पुलिस के जवान जो होते हैं, उनकी भी शैक्षणिक योग्यता 12वीं तक है, तो इसीलिए इन होमगार्ड्स की भी शैक्षणिक योग्यता को बढ़ा दिया गया है, 10वीं पास से 12वीं कर दिया गया है। इसके अलावा आपको मैंने बताया कि 10 अंक एक्स्ट्रा दिए जाएंगे जो अभी तक सिविल डिफेंस वॉलंटियर की तरफ से काम करते थे। 15 टीम बना दी गई हैं, और 15 टीम में हर टीम को एक सीनियर अधिकारी उसको लीड करेगा, और वो देखेगा कि इस पूरी प्रक्रिया को किस तरीके से पूरी की जा रही है। दिल्ली पुलिस एंड सेंट्रल आर्म्ड फोर्स, जिसको CAPF कहते हैं, ये इनकी जो फिजिकल इफिशियंसी है कि ये क्या फिजिकल तौर पर सही हैं या नहीं है,
उसको जांच करने का काम सीएपीएफ ही करेगी, जो कि 10 स्थानों पर, 10 अलग अलग जगहों पर ये किया जाएगा। और ये तमाम चीज़ें आई हैं। इसके अलावा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, सीबीटी जिसको कहा गया है, वो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा। उसके बाद ये जो है, इसके बाद ही फिजिकल मेजरमेंट एंड इफिशियंसी टेस्ट, PMET, यानी पहले लिखित परीक्षा होगी, उसके बाद ये फिजिकल टेस्ट होगा, जो कि पहले हफ्ते, फरवरी के पहले हफ्ते में संभावना है कि ये फिजिकल टेस्ट कर दिया जाएगा। तो ये तमाम चीज़ें हैं जो पूरी तरीके से प्रक्रिया कही जा रही है कि मार्च 2024 तक पूरी कर ली जाएगी। तो एक बड़ी नियुक्ति, लगभग 10,200 जवानों की नियुक्ति होमगार्ड में, और बड़ी बात उन सिविल डिफेंस वॉलेंटियर्स के लिए जिनकी नौकरी अभी कुछ दिन पहले गई है, उनके लिए कि उनको एक दोबारा मौका मिलेगा, बशर्ते कि वो ये टेस्ट में आगे निकलें और आगे निकल कर के आए। 10 मार्क्स उनको अतिरिक्त दिए जा रहे हैं, लेकिन बाकी जो योग्य छात्र हैं उनको भी इसमें अप्लाई करने का मौका मिलेगा। तो ये है बड़ी खबर। और क्या वाकई मार्च 2024 तक ये नियुक्तियां कर ली जाएंगी, दावा किया जा रहा है, लेकिन हमारी नज़र रहेगी, हम हर अपडेट आपको ज़रूर मुहैया कराते रहेंगे।